नमस्कार दोस्तों। तो आज कुछ विशेष खास इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तब तक मोदी जी के पास कॉल लगा देते हैं। हेलो, नमस्कार मोदी जी। हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ आशुतोष आनंद। अगर आपको 2024 में चुनाव जीतना है तो एक काम कीजिए, हम 50,000 वाला कोर्स को मात्र 500 में पढ़ा रहे हैं, तो पूरा जनता में आप घोषणा कर सकते कि प्रधानमंत्री के द्वारा मात्र 500 में शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो गणित आप सभी लोग को मात्र 500 में उपलब्ध करवा रहे हैं। जी जी, अरे आप बोल दीजिएगा तो हम पढ़ा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आपका इतना पावर है कि हम, आप कह दीजिएगा हम ना मानेंगे, हो नहीं सकता है। हाँ ना ना, हम आईफोन से कॉल किए हैं, आवाज़ बढ़िया जा रहा है ना। हाँ ना, तो वही जो कल लिए थे, आपको तो बोलवे किए थे ना। तो चलिए बहुत बढ़िया है, और आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो हम भी कुछ प्रगति के पथ पर चल जाएंगे। और थोड़ा आप भी अलाउंस उलाउंस कर दीजिएगा तो मेरा भी कुछ जीवन रोटी चल जाएगा, और आपका चुनाव भी जीत जाइएगा। उसके बाद फिर तो 29 तक आप हइए, तो जनता के लिए आप कह सकते हैं विशेष। हम थोड़ा और इस बार कुछ नया नया टेक्निक लेकर आ रहे हैं, जो अभी तक हमने जो टेक्निक्स नहीं पढ़ाए। हाँ, मेक इन इंडिया, कई ऐसा रिसर्च लेकर आए हैं जितना आप उधर चुनाव जीतने के लिए प्रोग्राम नहीं बनाए हैं, उससे ज़्यादा हम 11th में कंसेप्ट में प्रोग्राम बनाए हैं। मास्टर ना हैं तब, अब वो बिहार के वैसा जगह से हैं जो एकदम खांटी देहाती जगह, अब वहाँ से देश के राजधानी में पहुँच गए, तो समझ रहे हैं ना जी। आइए तो अब हम थोड़ा विशेष इन्फॉर्मेशन ये सब दे देते हैं। मोदी जी से बात कर लिए हैं तो विशेष, अब देखिए अब का इन्फॉर्मेशन है। 11th मैथमेटिक्स के बारे में आप सब लोग बहुत परेशान रहते हैं, कैसे शुरू करें, का करें, ये सब विभिन्न प्रकार के चिंता रहता है। तो पहले बात सुन लीजिए और ध्यान दीजिए। कई लोग 11th इस क्लास में, जो 11th क्लास में जो एडमिशन लेते हैं इसलिए आते हैं, उनसे मैं पूछता हूं कि बताइए 11th आप क्यों पढ़ना चाहते हैं। कई लोग बोलते हैं नॉलेज लेने के लिए, तो जो नॉलेज लेने के लिए बोलता है, मन करता है उसको इससे मारे। खैर कहिए कि नॉलेज वाले लोग जो हैं वो हमारे सामने नहीं होते हैं तो हम मारेंगे बहुत मार इससे। नॉलेज लेके आप लोग का कीजिएगा, विद्वान बनिएगा। बात याद रखना, काबिल बन के क्या करोगे, काबिल बनने की कोशिश क्यों करते हो? अरे कामयाब बन जाओ, दुनिया तुझे काबिल स्वीकार कर लेगी। कई लोग काबिल बनेंगे, नॉलेज लेंगे, इस चक्कर में रहेंगे, सब चक्कर में मत रहो। अपने आप को इस तरीके से, इस अंदाज में चेंज करो कि जिस समय तुम अगर कुछ बोलो तो दुनिया बोले कि कोई राजा बोल रहा है। वो राजा बनने से नहीं होता है, वो आपके मेहनत जो होगी ना, जो तरीका होगी ना, वो तरीका बोलेगा, बोलेगा। तुम ऐसे कुछ काम नहीं करोगे ना, तुम्हारे पास क्वालिटी नहीं रहे, काबिल बनते रहोगे तो ऐसे कोई बोलेगा ये बिना मतलब काबिल बन रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास क्वालिटी नहीं है ना, तो लोग ऐसे ही बोलेगा कि काबिल बन रहा है बिना मतलब। लेकिन जिस दिन आपके पास क्वालिटी रहेगी, कामयाबी हासिल हो जाएगी, उस दिन साहब आपको बोलेंगे कि वो काबिल इंसान। तो क्वालिटी प्राप्त करो, कामयाबी हासिल करो, काबिल तो तुम्हें दुनिया खुद स्वीकार कर लेगी। तो इसलिए काबिल बनने की कोशिश नहीं करना है। कई लोग बोलते हैं नॉलेज लेंगे, कई लोग बोलता है के सी सिन्हा सर का बुक बनाएंगे, तो कई लोग आर एस अग्रवाल बनाएंगे, कई लोग आर डी शर्मा, तो सब कौन बनाएगा बौड़ाहा कहीं? अरे वो भी तो इंसान बनाता है ना। तो आपके पास कुछ होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो पहली बात आप जान लीजिए कि आपके पास सबसे बढ़कर चीज कंसेप्ट होना चाहिए। अगर आपके पास कंसेप्ट नहीं है, कैसे मैथ्स को बनाया जाता है, कैसे मैथ्स से खेला जाता है, ये तरीका अगर आपको मालूम नहीं,
तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आप इलेवेंथ पढ़ के क्या करोगे? आपसे पहले भी लाखों लोग इलेवेंथ का तैयारी करते, लाखों लोग तैयारी करते हैं, ऐसे ही एकदम बेरोजगार के जैसा बैठे हुए हैं साहब। हमें बेरोजगार रहना नहीं, लोग बेरोजगार है उस पर कमेंट करना नहीं, हमें साहब ये देखना है कि लोग बेरोजगार रह गया लेकिन मैं बेरोजगार नहीं रहूं। समय अगर आपका बीत जाएगा तो फिर आप क्या करोगे? तो इसलिए आपको प्रयास करना है। हाँ, मैं अभी जो वर्क करवाने जा रहा हूं क्लास इलेवेंथ पर, विशेष फोकस जो करने जा रहा हूं, ये आज तक मैं नहीं करवाया। कारण पूछिए हमसे। हम ऑफलाइन पढ़ाते थे, हमारे पास भाग दौड़ की दुनिया होती थी और जो माहौल बना हुआ था लोगों का, उसी विचारधारा के अनुसार हम भी चलते थे। क्योंकि जहां रहोगे मानसिकता भी वैसा रहेगा। क्या है भाई, 15वां छाप दीजिए तो 17वां छाप दीजिए। अरे भाई, छाप ही लगे जन्म लिए हैं, ये छापते छापते तो पिछले 5 साल से छाप रहे हैं, 25 साल तक छापते रहूं, लट लकार करते हुए क्या करोगे? कई लोग होता है, सर केसी सिन्हा बनवाइए। अरे बनवा के क्या करेंगे भाई, ये पहले पूछ के इलेवेंथ क्यों पढ़ेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन सभी स्टूडेंट से कि टीचर से आप पूछो कि इलेवेंथ क्यों पढ़ें, पढ़ने से फायदा क्या है, ये पढ़ के हम क्या करें? कई लोगों से मैं भी पूछता हूं तो बोलता है नॉलेज लेंगे। अरे नॉलेज लेके झाल बजाएगा, ये सोचने की बात है, क्या करेगा? अरे कुछ ये दिमाग से सोचो, सठियाओ मत, कैरियर के बारे में सोचो कि पढ़ने के बाद ये काम कहाँ आएगा, इसका जरूरत कहाँ है और कौन कौन चीज की जरूरत है, इससे जिंदगी में मैं क्या करूंगा, हम कुछ बड़ा कर पाएंगे कि नहीं। बात याद रखना, वो आदमी बोल रहा है जो देश के अशिक्षित राज्य, ऐसे बिहार है नहीं, लोग कहता है, क्योंकि बिहार अगर नहीं होगा तो दिल्ली में सरकार नहीं चलेगा, ये बात याद रखना। आई तब मैं बोल रहा हूं जब मैं देख रहा हूं सामने, सरकार चलाने के लिए बिहार की जरूरत होती और लोग बिहार को जिस नजरिए से देखते हैं साहब, मैं जिस जिस से मिलता हूं तेवर वही होता है, आई एम बिहारी, दम है कुछ बिगाड़ लीजिएगा का, औकात है, ऐसे ही बोलता हूं। अब इतना कड़ा नहीं बोलता हूं कि औकात है, लेकिन तभी बोलते हैं साहब बिहारी हैं, थोड़ा सोच समझ के बोलिएगा, ये तेवर अलग होता है, का बिगाड़ देगा कोई, ये अंदाज तुम्हारा होना चाहिए, तेवर होना चाहिए। और मैं आज भी उस गांव से बिलोंग करता हूं जहां पानी पड़ जाती है साहब तो लोग साइकिल को कंधा पर उठा के ले जाते, इसे डरना नहीं है। हम लोग ऐसे मिट्टी में जन्म लिए, मगध की धरती पर जन्म ली है जहां चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की धरती है, आर्यभट्ट की धरती है साहब, समझ गए ना? तो ये तेवर अलग होगा, जहां नालंदा विश्वविद्यालय है तो अंदाज अलग होती। तो इसलिए हम लोग को अब दिमाग में रखना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग तरीके से चलना है, कुछ यूनिक करना है। उसके लिए अब क्या करोगे? मेहनत, स्ट्रगल। और सक्सेस का मूल मंत्र है मेहनत, 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 मेहनत। अगर आप करोगे सारी दुनिया पर भारी पड़ सकते हो। और अगर आप नेतृत्व करना चाहते हो तो स्ट्रगल करना होगा, कुछ अलग तरीके से चलना होगा, अलग अंदाज होनी चाहिए। तो अगर आपको करना है तो अलग तरीके से, तो कभी भी अगर आपको इलेवेंथ में कुछ बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए सोच रहे तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? कंसेप्ट। अगर कंसेप्ट है, कुछ अलग तरीके से चलने का आपके पास क्वालिटी है, तब अच्छा कर पाओ। तो मैं कंसेप्ट इलेवेंथ क्यों पढ़ेंगे? सबसे पहली बात यह है, इलेवेंथ क्यों पढ़ेंगे, इलेवेंथ की क्या जरूरत है? तो साहब इलेवेंथ के मैथ पढ़ने के बाद हम लोग आगे, अब मैं मैथ की बात कर रहा हूं, मैथ पढ़ने के बाद मेरा दिमाग में आना चाहिए कि टफेस्ट जो एग्जाम है, जैसे एनडीए, अभी एकदम आराम से चलेंगे, इलेवेंथ पढ़ेंगे एनडीए में एकदम मजबूत बन जाए, तो अभी से दिमाग में क्या, एयरफोर्स, नेवी, ये सब एग्जाम में आप बहुत बढ़िया से बैठ कर बेस्ट परफॉर्म कर सकते, जेई मेन, जेई एडवांस, कौन करता है भाई, तुमसे ज्यादा मेहनती कौन है? जो अगर कह रहा है तुमसे नहीं होगा, एक बार बुला देना। तो ऐसे हमें कितने लोग कहने वाले मिले थे तुमसे नहीं होगा, आज भी कई लोग मिलते हैं,
क्या है, कौन बिगाड़ देगा का, ये सब चक्कर में मत रहना। जो व्यक्ति अगर आपसे बोल रहा है कि ये नहीं होगा, तो कहना कि यार नहीं होगा, आपको लग रहा है नहीं होगा, मैं कर देता हूं, जिस दिन हो जाएगा वो दिन देख लीजिएगा। तो ये सब चक्कर में मत रहना। आपको अगर खुद पर अगर भरोसा है, इस दुनिया में कुछ कर सकते हो। कहने वाले बहुत लोग मिलेंगे, अरे एनडीए बहुत बड़का नौकरी होता है, आज तक देखा है कोई गांव में किया है, बौड़ा कहीं के एक आध करोड़ रुपया तो हमारे गांव में कोई नहीं कमाया होगा, तो कहा हम बिगाड़ लेंगे का, ऐसा चक्कर मत रहना। कई लोग अब हेलीकॉप्टर नहीं खरीदा है तुम्हारे गांव में तो हम नहीं खरीदेंगे, बौड़ा कहीं के हेलीकॉप्टर बनाने वाला कंपनी खरीद लेंगे। मैंने कहने का अर्थ में बता रहा हूं, कोई कुछ भी बोले उसके बाद से दबना नहीं है, मेहनत करना है और आप अपनी सफलता को हासिल करना। तो बहुत लोग मेरे एनडीए नहीं होगा, कई लोग कहेगा जितना बड़ा चादर है उतना ही पैर फैलाइए, कहिए कि अब जमाना बदल गया, पैर फैलाएंगे और देखेंगे कि पैर कितना दूर तक जाता है और उसके अनुसार चादर बनवाएंगे, समझ गए। ये लेवल होनी चाहिए आपका, और जो चीज इसमें देख लो वो अपना होना चाहिए, चाहे एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, जेई मेन हो, एडवांस हो, ऐसे कई सारे चीजें हैं, वो आपका होना चाहिए। और आपके लिए उस प्रकार का अगर टीचर साथ में हो तो ये संभव हो सकता है। तो बच्चों, आज तक जो मैं इलेवेंथ में वर्क नहीं किया हूं उससे बेहतर वर्क करने जा रहा हूं, यूनिक चीज है। हाँ, हमारे पास कई लोग टीचर लोग एडमिशन ले लेते हैं, तो जो पुराने टीचर होते हैं जो पहले से पढ़ा रहे हैं वो लोग तो हमारे पास एडमिशन लेके बहुत बढ़िया से आराम से पढ़ते हैं और चीज़ों को गेन करते हैं। कई ऐसे टीचर को मैं जानता हूं जो हमारे क्लास में ज्वाइन किए हैं, दो तीन दिन पहले भी कई लोग फ़ोन किए थे, एक ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने बोला कि सर आपसे ज़्यादा नॉलेज मेरे पास है। इस चीज़ को मैं समझा, मैं आपसे ज़्यादा दिन से पढ़ा रहा हूं, लेकिन तभी आपका टोन पसंद हमें आता है, हमें भी अच्छा लगा, लेकिन मैं फूल कर बर्रा नहीं हुआ। हमें फिर ये लगा कि हमें इस प्रकार के व्यक्ति जो हमसे ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति हैं, अगर हमारे टीचिंग स्टाइल को मानते हैं तो हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। तो फिर मैं कई चीज़ों को सुधार करके और पहले जो बच्चे पढ़े हैं उनको ये डिजाइनिंग को देख कर ये पता चलेगा कि नहीं, कई चीज़ों को इसमें सुधार के नया अप टू डेट इंक्रीजमेंट। अगर इंक्रीजमेंट नहीं होगा तो आप क्या कर पाओ, तो इसलिए आपको नई तरीका सोचना है। दूसरा बात, इस सब इंग्लिश में देखकर डरिएगा मत, हम बिहारी आदमी कोई इंग्लिश मीडियम के स्कूल से ना पढ़े, जीवन में एक आध बार लिखने की कोशिश में कर रहा हूँ, इतना ही बार हमें जानकारी, बहुत मत सोचिए कि बहुत हाई फाई आदमी है हम साहब, झोला छाप आदमी, बस मैथ जानते हैं सिखा दें, वो बहुत ज़्यादा ना जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, समझ गए ना। इसके चलते हवा में मत रहिएगा, ये नॉर्मल कुछ कुछ लिख दिए हैं, ये सब हिंदी में भी हम बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। अब बात करते हैं कि इलेवेंथ आप पढ़ेंगे क्यों, तो इलेवेंथ इसलिए पढ़ना है, हमको काबिल न बनना है, नॉलेज नहीं लेना है, हमको कामयाब बनना है। कि पढ़ें तो कोई कंपटीशन में बैठे तो निकल जाना चाहिए, जितना प्रकार के बुक है तो हम एक वो बुक के लेके या हरे कृष्णा हरे रामा झाल बजाते रहेंगे, तो इस चक्कर में हमारे पास आ रहे हैं तो इसे लगेगा, ये खुलेआम बोल रहे हैं, बात समझ लीजिएगा। तो इसलिए इस चक्कर में मत रहिएगा, हमारे पास आपको अगर आना है तो क्वालिटी बनाना होगा, मेहनत करना होगा, कामयाबी को हासिल करना होगा। अगर ये चक्कर में है तो आइए पढ़िए, आपके स्वागत है, बहुत बढ़िया कर सकते। अब इसमें दो प्रकार की क्लास है, ऐसे मैं कुछ क्लास YouTube पर भी इलेवेंथ का देने वाला हूं, तो YouTube पर आपका लाइव जो होगा ये बेसिक कंसेप्ट का होगा, और एम विद्या ऐप पर जो होगा ये आपका सिलेबस का होगा। ऐसे सिलेबस वाला पार्ट भी मैं कुछ यूट्यूब पर दूंगा, समझ गए ना, लेकिन ये आपका बेसिक कंसेप्ट वाला मैं दूंगा, और इसमें भी देखेंगे कि आप लोग का प्यार मिलेगा तब, और इससे हम देने वाले नहीं, अब देखें कि अब पढ़ा रहे हैं कुछ हो नहीं रहा है तो ऐप पर कर देंगे, समझ गए ना। अब देख रहे हैं कि लोग जय हो जय हो जय हो एकदम डांस कर रहा है तो मिलेगा, समझ रहे हैं ना। अब इसमें आपका बेसिक कंसेप्ट में इंटरवल इनक्वालिटीज बेबी कर्व मेथड मॉडुलस ऑड फंक्शन एंड इवेंट फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन और ग्राफ। इसमें आगे चल के हो सकता है और मैं कई चीज़ जुड़ूं,
वैसा इच्छा करेगा, मैं देने की कोशिश करूंगा। इसमें एक हाई स्टैंडर्ड तक आपकी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। हिंदी में भी सब बताएंगे, जगह कम था इसलिए केवल इंग्लिश में लिखे, परेशान मत होइएगा, समझ गए ना। थोड़ा शुरुआत में देखें कि इंग्लिश उंग्लिश में लिख के शौक बिता लेते हैं, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा हुआ स्टूडेंट हैं साहब, तो कुछ तो शौक होता है ना। अब जो हमेशा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा तो उसके लिए दिक्कत नहीं, हम तो झोला छाप रहे थे, तो कुछ तो शौक पूरा कर ले। अब रिलेशन, यहाँ सेट रिलेशन एंड फंक्शन सिलेबस का है, ये सब एकदम कॉपी में नोट कर लीजिएगा। फिर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसी को हिंदी में गणितीय आगमन का सिद्धांत, कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश संख्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण, लीनियर इनक्वालिटीज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शन। उसके बाद यहाँ पर इंट्रोडक्शन और थ्री ज्योमेट्री, लिमिट एंड डेरिवेटिव, उसके बाद स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी। इतना ही इलेवेंथ में हम सब लोग पढ़ने वाले, समझ गए ना। इतना के एकदम पूरा बढ़िया से क्लियर कर लेना है। और सभी लोग को मैं एक बार बोलूँगा, ऐसे में बोलता जल्दी नहीं हूँ, हमारे पास तेवर से देख पा रहे हो कि इलेवेंथ में हम एडमिशन ले चुके हैं अच्छे विद्यार्थी, आज तक जितना हमने नहीं लिया था, पहली बार इलेवेंथ में इतने बच्चों को पढ़ा रहे। जो अब टीचर, ये नॉर्मल सी बात है, 2500 रुपया लेता था, तो ये 2500 रुपया लेगा और डायरेक्ट 500 करेगा, तो ये कन्फर्म है कि अगर 5 गुना फी कम करेगा तो 10 गुना स्टूडेंट बढ़ जाएगा, ये नॉर्मल सी बात। तो 10 गुना स्टूडेंट अगर 5 गुना फी कम किए और 10 गुना स्टूडेंट बढ़ गया, तो हमारे पास आर्थिक स्थिति से मैं ठीक ठाक हूँ। उसके बाद स्टूडेंट को भी लाभ मिल गया, अब ज़्यादा स्टूडेंट है और हमको क्या करना है, एक ही बार पढ़ाना है, भाग दौड़ की दुनिया है नहीं, तो क्वालिटी को बढ़ा देते। तो हम क्वालिटी पर काम करने जा रहा हूँ, और जो भी अब इलेवेंथ में लोग के दिमाग में कमियां होती है, उस कमियां को दूर करके और विशेष फोकस करके इस पर मेहनत करवा देंगे। एकदम बारहवा क्लास जैसे जय जय करता है, वैसे ही ग्यारहवा क्लास भी करेगा, अच्छा करोगे। तो ये दिमाग में रखना है कि अब तरीका क्या होने वाला है, किस प्रकार मेहनत करना है, ठीक है। अब विशेष, अब थोड़ा सा अब बात जान लीजिए, कोई भी समस्या हो यहाँ पर 91 35 85 20 51 इस पर व्हाट्सअप करेंगे। और ये भी जान लीजिए, YouTube पर जो आपका क्लास चलेगा, YouTube पर क्लास जो चलेगा, ये आपका शाम को 4 PM में चलेगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपका एम विद्या ऐप पर क्लास चलेगा, ये एम विद्या ऐप पर सुबह में 9 AM से चलेगा, सुबह 9 बजे से और इस शाम को 4 बजे से। अभी डेली 2 बार क्लास चलेगा और एकदम बढ़िया से इलेवेंथ को एकदम मेहनत करके, क्योंकि इलेवेंथ मजबूत नहीं रहेगा तो रिजल्ट साहब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं हो, समझ गए ना। ये SSC या रेलवे या ग्रुप डी ना है, ये डायरेक्ट बनोगे साहब इंडिया के कोई भी तो टॉप मोस्ट लेवल के अधिकारी बनोगे, ये सब बढ़िया से अगर पढ़ोगे तब। इसलिए अफसर अगर बनना है तो इस मेन लाइन पर चलो, अच्छा करो, मैथ सब्जेक्ट तुम्हारे साथ है तो कुछ भी कर सकते हो। तो राजा अगर बनने का कोशिश करते हो तो उसके लिए मेहनत करना हो, राजा के जैसा जीना शुरू कर दो, दुनिया खुद तुम्हें राजा स्वीकार कर ले, तो तरीका आपके पास होना चाहिए, विशेष मैं यही बोलूंगा। तो कल से आप सभी लोग अपने रूटीन से हो जाएंगे, शाम को 4 बजे और उसके बाद सुबह में 9 बजे से, 9 बजे से एम विद्या ऐप पर चलेगा और 4 बजे से चलेगा यूट्यूब पर, एकदम फुल फॉर्म में हो जाइएगा, गर्दा मचा के छोड़ेंगे, कुछ अलग होगा, यूनिक होगा, ठीक ना। बहुत बहुत धन्यवाद।